partners, partners, partners. यही है वो क्रिश सर फोड़ कर, इसी ने मेरे गोविंदा का सर फोड़ा है। हम तो कहा हमारे सर पे चुम्मी लिया थी, अरे हमारा भी तो सर फोड़ो। अरे भूमंडल में जितने तारे ना हो मैं उतने दिखा दिए दिन में ही आने। क्रिश सर फोड़ कर, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ पे क्या सर फोड़ने का मौसम चला है? तुम होलसेल में सबके सर फोड़ रहे हो? अब आबा क्या तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, सही सही बताओ ये सब क्यों कर रहे हो, वरना अगर कहीं मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया ना तो कोई जोड़ भी नहीं पाएगा वापस। बोलो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाओ। उड़ी अब ये हेलमेट मैन कौन है? मैं कृष्ण सरफोड़कर और ये मेरा बेटा कृष्ण सरफोड़कर। आप कृष्ण, ये कृष्ण, आप गोविंद, ये गोविंदा, आप सर फोड़कर, आप मार तोड़कर क्यों सब आए काम छोड़कर यहाँ पर? मिस्टर सरफोड़कर आप मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी में आप सिर पे ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो? सूरज के गर्मी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन क्रिश के गर्मी से बहुत डर लगता है। एक बार इसका सर घूम गया ना तो सब लोगों के सर फोड़ देता है। इसलिए ये हेलमेट सेफ्टी के लिए। हम कृष्ण मित्र मंडल से है, हम जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं और हर बार दही हंडी मेरा बेटा ही कृषि फोड़ता है। देखिए क्या है कि हम लोग रहते हैं कीकूवाड़ी में, ये लोग रहते हैं चीकूवाड़ी में, तो फिर दिक्कत का है? और ठीक इसके बीच में हाँ टीकूवाड़ी पड़ती है सर, और टीकूवाड़ी की दही हंडी पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है। अच्छा। और इस बार टीकूवाड़ी की दही हंडी फोड़ने पर 25 लाख रुपए का इनाम है, और वो डर रहे हैं कहीं हम वो दही हंडी फोड़ ना ले, इसलिए हमें उन्होंने धमकी दी है। सर सर सर, हमारा सरनेम है मार तोड़ कर, मगर हम इन सर फोड़ कर की तरह सर नहीं फोड़ते फिरते। दही हंडी चल रही है यहाँ पर। फ्रिश बेटा, फ्रिश बेटा, शांत गदाधारी भी साहब ये लीजिए बांसुरी। क्या करूं इसका, मैं बजाऊं? इसे अंदर अंदर से झक के देखिए। इस बार जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसका सर फूटेगा। हमको सच्ची बोल, अपन नाचते के टाइम पे गोविंदा लग रहा था कि नहीं? क्या क्या आपको गोविंदा की तरह बनने का मन क्यों कर रहा है? मन? हाँ। अरे शन्नू मेरे मन में है, मैं शन्नू को बताना चाहता हूँ कि अपन भी गोविंदा जैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कल उसके पास मैं गया था, मेरे क्या बोली मालूम? हाँ। तू कैसा है गले का फंदा, तू कैसा है गले का फंदा, मैं तो लगती हूँ करिश्मा, तू किस एंगल से लगता है गोविंदा? एंगल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। लेकिन अपन उसको चैलेंज कर दिया। हाँ। शर्त लगा दिया, मैं उसको बोला अच्छा तेरे को गोविंदा बन के दिखाऊंगा, और ये वीडियो देखेगी ना इसकी बात सच जाएगी, समझ जाएगी कि अपने अंदर गोविंदा वाली बात है, थोड़ा बहुत तो है। मुझे बात आइए, आपकी ओर से इसको धमकी क्यों गई? इंस्पेक्टर साहब, हमारी मंडल ने इनको धमकी नहीं दी, बल्कि इन्होंने हमें धमकी दी। ये देखिए, ये देखिए, इनको भी ठीक वैसी धमकी मिली जैसे आपको मिली है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कोई किसी को धमकी नहीं दी, झूठ बोल रहा है ये। और ये चिट्ठियां तो कुछ और ही बोल रही हैं। ये कृष्ण मित्र मंडल वालों को लगा कि इस बार हम इनसे जीत जाएंगे, तो ये सर फोड़ करने मेरे बेटे का सर तोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप मेरी FIR लिखे और इसे गिरफ्तार कर ले। चोर कोतवाल को डांटे, गिरफ्तार तो इनको दीजिए, इन्हें नहीं मिस्टेक किया है। उन्हें मुझे चोर कहा, मैं तुझे उल्टा उल्टा लटका दूंगा यहीं। अरे मैं हार फोड़ कर तू क्या लटकाएगा, मैं तेरे को लटकाऊंगा। अरे छोड़ो।
फोड़कर सर फोड़कर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। बच्चों कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है चौकी है माता की नहीं पुलिस की, इसलिए कृपया करके शांति बनाकर रखिए। ये एनओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाकू पार करने की हिम्मत कोई भी मत करियो। अब झगड़ा करने का समय समाप्त हुआ, अब सिर्फ मुंह जबानी विचारों को आदान प्रदान करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ये धमकी भरी चिट्ठी आपने इनको नहीं लिखी, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई धमकी भरा खत नहीं भेजा, लेकिन ये चिट्ठियां कह रही हैं कि इन दोनों को किसी एक ने लिखा है, क्योंकि इन दोनों चिट्ठियों पर जो हैंडराइटिंग है वो एक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को धमकी किसी तीसरे ने दी हो। क्या? क्या? ओ, अरे भगवान। मामू, शन्नू जी का भी दूसरा मैसेज आया। क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि मैं हीरो नंबर वन एक्टर गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ, इस सृष्टि के डायरेक्टर कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। एक और मैसेज आया उनका, वो कह रही है गोकुल अष्टमी है तो क्या आप मटकी फोड़ने वाले गोविंदा बन सकते हो? मटकी फोड़ने वाला गोविंदा? हाँ, और अगर कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ, मटकी फोड़ते हुए अपनी एक सेल्फी लो और मुझे वो भेजो। और अगर एक मिनट, ऐसा कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अरे दो माला चढ़ते चढ़ते मेरी हवा टाइट हो जाती है, ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? ऊपर से अगर गिरा तो मटकी के मेरा मटका फूट जाएगा। अरे चंकू, अगर मैंने मटकी नहीं फोड़ी तो अपन का प्रपोजल वो कबूल नहीं करेगी क्या? मामू आप शन्नू जी के हर बात को ना इतना सीरियसली लेना बंद करो, खिंचाई कर रही है वो आपकी। अरे नहीं नहीं बाबा, ये जो सोचती है ना उसको मंगता है, एकदम एड़ी है। दादा, दादा, आपके पास हेलमेट है? हेलमेट? कौन हूँ मैं? गोगोल चैटर्जी। तो कौन? पुलिस कमिश्नर है ना, तो सरकार मेरे को गाड़ी देती है, स्कूटर नहीं, हेलमेट। हेलमेट कहाँ था तेरे को? अरे सर मुझे नहीं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा था, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था सर। सर छोड़िए सर, हेलमेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं सर, आधे तरबूज से काम चला लेंगे सर, आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के काम चल जाएगा। अपने जलेबी को नूडल्स की तरह स्ट्रेट करो और ये जो भी बात है ना वो सीधे सीधे समझ में आए ऐसे बोलो। सर क्या है, आप अपने सेफ्टी के लिए आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के रूम के बाहर निकलिएगा, सेफ्टी के लिए सर, वरना सिर फूट जाएगा। जाइए यार, हाँ जाकर अच्छी खासी तैयारियां कीजिए, एंड लेट द बेस्ट गोविंदा विन। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन जीतेगा तो गोविंद्र मित्र मंडल ही, जीतेगा तो कृष्ण मित्र मंडल ही। यजमान दही हंडी तो मेरा ही बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा? मेरा बेटा फोड़ेगा, बेटा मट्टी फोड़ेगा, मेरा बेटा फोड़ेगा, मेरा बेटा फोड़ेगा, मेरा बेटा मट्टी फोड़ेगा। क्या लगा ये एड़े लोग रे, मैं मटका फोड़ेगा, मैं मटका फोड़ेगा, अंडी ये फोड़ेगा, ये फोड़ेगा, अब अपोन फोड़ेंगे अंडी। आप फिर अपोन को बना दो अंडी फोड़ने वाला गोविंदा, फोड़ डालेंगे। खामा का बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे ले यार, इनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे ले? मेरे बेटे का सर एकदम मजबूत है, वो किसी से भी टकराता है, डरता नहीं वो किसी से। हेलो कहाँ है तेरा बेटा? क्रिश क्या उसका ज्यादा मजबूत है? जा क्या बुप्पो के भैंस, शेर पे सवा शेर तो सुनो हो तो, लेकिन सर पे सवा सर पहली बार देखो है सर। बंगाल टाइगर दादा। इसका सर तो इतना मजबूत नहीं है, देखो कैसे लटक गया, ये लगा पटर पटर पटर, देखा मेरे सर, आई फोड़ूंगा अंडी मैं। फोड़ो, हाँ आप ही फोड़ो, मेरा बेटा तो कल से कॉलेज जाएगा है। हाँ सर, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप भी कर लूंगा। आप ही फोड़िएगा, आपका सर ही सचमुच का हकदार है मटकी के लिए। एक मिनट इधर आइए आप, जरा क्या
क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? मैं आपको ये मटकी मटकी नहीं फोड़ने दूंगा। क्यों? इसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए सर, अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं गूगल सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। मैं ब्लैकमेल कर ले सर, एवरीथिंग इज फेयर इन नौकरी एंड जंग। जंग? जंग लड़ी कहाँ है? मैं लड़ूंगा आपके साथ अगर आपने मटकी फोड़ने का सोचा भी तो। आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, बस दैट्स माय डिसीजन फाइनल। सुनिए, ये कोई मटकी वटकी नहीं फोड़ेंगे, और जब तक मैं ये बात नहीं पता लगा लेता कि आखिरकार वो धमकी भरा खत किसने लिखा है, तब तक आप लोग स्नेह पूर्वक बहुत ही प्यार के साथ दही हांडी की तैयारियां कीजिए। और सुनिए, कोई भी लड़ेगा नहीं दूसरे से। आइए मार्को करी, आइए। सर, आप मटकी फोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जैसे सब सोचते हैं दिमाग से, तू कहां से सोचता है? मैं तो दिल से सोचती हूँ। आप कब दिल से सोचेंगे? कोशिश करूंगा। आपकी इस कोशिश का मैं इंतजार करूंगी। आप सर, आप मुझे एक बात बताइए सर, इस उम्र में मतलब 50s और 60s में इसमें आप चल रहे हैं, उस उम्र में लोग नानानी पार्क में जाके बच्चों को खिलाते हैं, चाय की चुस्की लेते थे, घर में बैठकर 70s 80s की बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, हर 2 महीने में जाकर डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, मटकी फोड़ने नहीं जाते वो। शन्नू के लिए अपने को मटकी फोड़नी पड़ेगी। ओ अच्छा, मतलब ये सारा चक्कर शन्नू जी की वजह से चल रहा है। तो लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं कोटे सिंह जी। देखो अपन फुलटू तैयार है, मटकी फोड़नी बोले फोड़नी है। अरे बहुत फोड़ेले अपन यार मटकी। फोड़ेला होगा लेकिन अभी नहीं फोड़ सकते आप। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते? तो अपनी पोस्ट का तो लिहाज रखिए, कमिश्नर है आप। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कमिश्नर मटकी नहीं फोड़ सकता है, बता मेरे को। सर देखिए, आप प्रोफेशनल और पर्सनल बातें मिक्स मत कीजिए। आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन, मामू नहीं तो कोई और तो मटकी फोड़ेगा ना, अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो? चमकू हमला नहीं होगा, क्योंकि धमकी देने वाला सिर्फ नाम की धमकी दे रहा है। तुम कैसे कह सकते हो? ये देखिए सर, ये धमकी भरे लेटर्स देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, देखिए हैंडराइटिंग देखिए। कोई भी आदमी एग्रेशन में इतनी अच्छे तरीके से लिख सकता है क्या? और ये दिख रहे हैं आप यहां पर, ये धमकी वाले लेटर्स में कोई ई ऊ आ की गलती सुधारता है क्या? सर आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर फोड़कर और मार तोड़कर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गोविंदा नहीं बनेंगे बस। अरे तू नहीं बोलता तो नहीं बनता रे बाबा। लेकिन शन्नू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा रे बाबा, शन्नू ने तो हाथ से निकल जाएगी। शन्नू ये क्या कर रहे हैं? सर जी मार्केट में बहुत गंदी गंदी और बड़ी बड़ी नजर वाले लोग घूम रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर को नजर लगाने के काजे, हमारे नजर उतारने को इंतजाम कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर को। अब देखो हम कैसे नजर उतारेंगे। जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। नारियल कहां से लायो? नकली है, नारियल ही नकली है सर। अरे नारियल नहीं, तेरी नजर नकली है, तेरी नजर बुरी है। अब देख मैं फोड़ूंगा इसको। संत आत्मा हूं मैं, संत आत्मा। देख कैसे फूटता है ये नारियल। अरे संत आदमी, नारियल पे का नारियल को तेल लगा के चिकनो करके फोड़ रहे थे का? ये तो 2 सेकंड में रिटर्न जर्नी करके आया वो। रिटर्न जर्नी? ये तो ब्रेक जर्नी करके वापस आ गया। देखा नारियल फूट गया, संत आदमी उचन। बॉस ये आवाज कैसे आई? सर जी बॉस साहब ने 2-in-1 काम कर दियो, नारियल फोड़ने का संग कोई बेचारे को सर भी फोड़ दियो। जाके भुप्पो की भैंस, सर फोड़ कर को सर फोड़ दियो सर। ये मुंडू क्या बोला है? अरे नारियल में से पानी निकलता है, ऐसे पट्टी थोड़ी निकलती है, देख ना पट्टी है। तुम दोनों चुप रहोगे तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? नारियल मारू क्या तेरे को? अरे क्रिश अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, काटूंगा तेरी उंगली। अभी सिर्फ सर फूटा है, जो भी हांडी फोड़ेगा मैं उसको फोड़ दूंगा। ले तू पढ़ ले, नहीं तो पढ़ ले ना, पढ़ ले।
ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन सीरियल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आराम से। क्रिश, तुम ठीक हो? हाँ? अभी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहाँ होगो इनके संग? नारियल इंसाफी है गई। है? मतलब ना इंसाफी है गई सर, बॉस साहब की वजह से। डीआईजी, तू अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखेगा? नारियल जैसा मुंह? मतलब तेरी मार्केट वैल्यू 30 रुपए से ज्यादा नहीं है? आपकी कितनी कीमत है मार्केट में? कितनी वैल्यू है आपकी? बताओ कितनी वैल्यू है? अरे डीआईजी, तू बोस की वैल्यू नहीं जानता? अरे बोस ना इस हेडक्वार्टर का एनपीए है। एनपीए? इका हो गया सर? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग आदमी, उर्फ नल्ला। क्या सर? चुप मुंडो। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। क्रिश, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है कौन? पता नहीं। हाँ, पर उसने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। मास्क पहना हुआ था मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या था? मैं जैसे पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ओए, कौन है तू? काले भूत, क्या चाहिए तुझे? तेरा सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तक यही खड़े हैं? और आप अभी तक हेलमेट पहन के घूम रहे हैं? अरे इसे डर लगता है ना, आप जाके उस गोविंदा और उसके बाप गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। उसी ने ही इसको फोड़ा है, और इसकी ये हालत देखकर मेरे किसन मित्र मंडल के सारे सारे मेंबर्स डर गए हैं। कोई हांडी फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख का नुकसान। आप जाइए ना, उस गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। सर फोड़कर जी, मारतोड़कर जी के साथ क्या करना है हम तोड़ के मतलब सोच कर कर लेंगे। हाँ, अभी इस समय इनसे ज्यादा आपको जरूरत है रेस्ट की, तो आप इनको लेके घर जाइए, आराम कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो जाइए। कृष, जाओ जाओ जाओ, आराम से सर बचा के। यहाँ सामान थोड़ा महंगा है, सरकारी भी है, आराम से। तोड़ियो मतीना, तुझे बाप रे का सर फोड़ो आदमी है। सर, पीके सर, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा तू मुझको? पीके बोस सर। ऐसे गंदे इशारे करेगा ना तो बॉस पीके ही बोलूंगा तुझे। सर ये बात छोड़िए सर। छोड़ियो क्यों? क्या इशारा कर रहा था तू मुझे ये बता। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, ये केस तो मैं ऐसे ऐसी चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा सर। अच्छा सर, ऐसी चुटकी बजा के आप कैसे सॉल्व कर देंगे सर केस? ताली बजाकर? आप क्या कहें कि राजा अकबर है तो आप ताली बजाएंगे और फिर आपके गुलाम जो है दो कनीजों को लेकर आएंगे? सर, मेरा गुलाम दो कनीजों को नहीं, दो बदतमीजों को लेके आएगा। आप बैठिए सर और बैठ के मुगले आजम देखिए। बैठिए सर। अपने खर्चा पे लेके आ रहे हैं सर। खर्चा पानी मैं तुझे दूंगा, समझा? किसी कहने पे तुम दोनों को यहाँ पर लेके आए? सर, मैंने इसे ऑर्डर दिया था। और तुझे किसने ऑर्डर दिया था? सर, खाना खा रहे थे हम लोग, खाने के बीच में से उठाकर लेके आए सर ये, और आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी बनी थी, भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनी थी? हमें क्यों ना बताया, हमारी भी फेवरेट है यार। हेडक्वार्टर है, फूड प्लाजा नहीं है तो अपनी फार्मेसी चलाएगा यहाँ पर। सर सर देखिए, मैं फटाफट दो मिनट में ये केस सॉल्व करता हूँ, और बाद में हम तीनों मिलकर साथ में लंच करेंगे। ये मुंडू भिंडी मंगा के रखा, हड़िया। देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.